माँ बाप जवान बेटियों के सामने किसी अनमैरिड लड़के की बेजा तारीफ न किया करें। इसी तरह सब बच्चियां घर जाकर जवान भाइयों के सामने यहाँ अपनी दोस्तों की बातें ना किया करें। यही असल में यहाँ पर बताया जा रहा है। और क्योंकि मिन निसाए हिन्ना का मतलब यह है कि जो अपनी काबिल एतमाद औरतें हैं, जिनको इस्लाम के इस हुक्म का पता है कि किसी बच्ची की तारीफ जाकर किसी मर्द के सामने नहीं करनी, तो उनके सामने इंसान हर तरह की जीनत खोल ले। लेकिन जहां ये खतरा हो कि उसकी ये जेबो जीनत घर जाकर डिस्क्राइब होगी, तो वहां इंसान एहतियात में ही रहे। लड़कों की बातें भी रिश्तेदार मर्दों को अपनी बेटियों के सामने नहीं करनी चाहिए। जिस तरह एक औरत को जाकर अपने शौहर को किसी दूसरे औरत के हुस्न वगैरह के बारे में और खूबसूरती के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसी तरह माँ बाप को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो भी ऐसी बातें ना बताएं। ये मैं एक लड़की का ही वाक्य लिखा हुआ है, सुनाती हूँ। ये कहती है कि शायद मैं इन आयात की रूह को न समझ सकती अगर मेरे साथ ये वाक्य पेश ना आता। कहती है वाक्य कुछ इस तरह कि हमारे हमसाये में एक लड़का आया, उसकी बहन का बिजनेस था जो उसने संभाल रखा था। उसने हमारे साथ वाला घर दफ्तर बनाने के लिए किराए पर लिया। अब्बू से उसकी अच्छी सलाम दुआ हो गई। अब्बू अक्सर उसका अम्मी से जिक्र करते कि इसका कि बड़ा बहुत अमीर है, शरीफ लड़का है, और बहुत सी उसकी तारीफें करते। तो बहुत दिन जब मैंने उसकी तारीफें सुनी तो मेरे दिल में उस लड़के का ख्याल आने लगा। लिहाजा मैंने एक दो बार उसको अपने घर की छत से झांक कर देखा, क्योंकि साथ वाले घर में दफ्तर था। और फिर शक्ल तो मुझे उसकी पसंद ना आई और ना ही कोई ऐसी खूबी नजर आई, लेकिन बकौर घर वालों के आज के दौर में खुशकिस्मत वो है जिसके पास पैसे ज्यादा है। यानी लड़का अमीर बहुत था मगर शक्लो सूरत और बाकी कोई खूबी नजर नहीं आती थी। और ये बच्ची छत से झांक कर उसको देख रही है। चनाचे एक दिन अब्बू के दराज से कार्ड लेकर मैंने उसको फोन कर दिया। शुरू में घबराई, नाम नहीं बताया, फिर बता दिया। उसने कहा मैं आऊंगा, तुम गेट पर खड़ी होना। उसने मुझे, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसने जमीन आसमान के किलाबे मला दिए मेरी तारीफ में। जब फोन करता घटिया फौश बातें करता सेक्स से रिलेटेड, मैं उसकी बेइज्जती कर देती। मुझे सेक्स से तो कोई दिलचस्पी न थी, मुझे उसकी चीजें, पजैरो गाड़ी, मोबाइल फोन और चार चार नौकर अच्छे लगते थे। बहरहाल एक दो बार मैंने उसको बस देखा। इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बहला कर मुझे इस्तेमाल कर ले, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई मौका मैंने उसको ना दिया। इससे जब ना मिली तो उसने कहा कि ये ताल्लुक खत्म करते हैं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम अच्छी लड़की हो, वरना जितनी तारीफें मैंने तुम्हारी की हैं अगर किसी और की करता तो वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाती, मगर तुम तो बस कहती हो कि इतनी अच्छी हो तो शादी कर लो। बहरहाल फोन पर बात खत्म होती। फिर एक दिन उसकी शादी का कार्ड आया, उसकी शादी हो गई। मुझे हल्का सा अफसोस जरूर हुआ, और ऊपर से बीवी को लान में लेकर उस हिस्से में बैठता था जहां से मैं उसको झांका करती थी। अब बीवी के साथ उसको देखती तो अजीब सी फीलिंग आती, मुझे बेइज्जती महसूस होती। बहरहाल मैंने उस लड़के का ख्याल दिल से निकाला और अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ कर लिया। अच्छा, अब ये कहती है कि इस वाक्य को बयान करने का असल मकसूद दूसरों को सबक देना है। फिर उसके बाद दूसरा कहते हैं कि किसी के घर में झांकने से इस्लाम ने मना किया है। आपको पता ना कि आंख फोड़ देने तक की बात हुई पीछे, तो इसमें हमारा ही फायदा है। मेरी जो उस लड़के से बात शुरू हुई तो उसकी वजह यह भी थी कि अक्सर वो कमरे में या लान में बैठा होता तो मैं उसको झांकती, जिसके बायस उसमें कोई अच्छी खूबी ना होने के बावजूद मुझे अच्छा लगने लगा। जाहिर है कि एक मर्द है, आप देखते रहे देखते रहे और उसके अनाजो अंदाज तो वो आपको ऐसा ही महसूस होने लगेगा। लिहाजा मेरा पैगाम यही है कि इस्लाम का हुक्म, खा इसकी हिकमत समझ आए या ना आए, फौरी तौर पर अमल कर लें। मैं भी झांकने को मामूली बात समझती रही, मगर बात कहां से कहां जा पहुंची। अल्लाह हमारा खालिक है, उसने जो भी अहकामात दिए हैं हमारी बेहतरी के लिए हैं। बात सिर्फ अमल की है, और अकलमंद वही होता है जो दूसरों से इबरत पकड़े। अब ये जो वाकयात भी आपको सुनाए जा रहे हैं ना, इसका मकसद भी ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह यहाँ कोई इन चीजों के तरीके बताए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया वो करना शुरू कर दें। किसी बात को जानने के बाद उस बुराई पे अमल करना जो है कहीं ज्यादा बुरा हो जाता है।